সাত সকালে ঘটে গেল বড় দুর্ঘটনা আলিপুরদুয়ার জেলার কাজনী চা বলায় সাঁতারি চা বাগানে। ওই বাগানে ট্রাক্টর চালক জটু মিঞ্জ বাগান থেকে ট্রাক্টর নিয়ে বেরোনোর সময় আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে ট্রাক্টরটি। মারাত্মক জখম অবস্থায় জটু মিঞ্জ ট্রাক্টরের নিচে প্রায় 45 মিনিট আটকে থাকে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধারের পর মৃত্যু হয় ওই চালকের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়ায় বাগান শ্রমিকদের মধ্যে। কারণ দীর্ঘদিনের ওই জীর্ণ ট্রাক্টর দিয়েই চা বাগান কর্তৃপক্ষ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও ওই মান্ধাতা আমলের ট্রাক্টরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছিল না। ওই চালকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে পোস্টমর্টমের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে জয়গা থানা ও হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ। এখনো এলাকা থমথমে। ডেলি জেসা অফিস মে আকে আপনা ট্রেক্টর লেকে যাতা হ্যায় তো আজ মে ও জো ট্রেক্টর লেকে গিয়া ও ট্রেক্টর কা কন্ডিশন পুরা খারাপ থা জো আগে ওয়ালা চাক্কা কা জো এক জো চাক্কা সে জো জুড়া হুয়া রহতা ও স্পিন্ডল ও আধা টুটা হুয়া থা তো উসকো ওয়াহা কে জো গ্যারেজ কা জো চেক করনে ওয়ালা ও সহি তরহ সে উসকো চেক নাহি কিয়া আর ওহি গাড়ি কো ও লেকে গিয়া জেসে ও রাস্তা মে উসকা চাকা আগে তরফ কা টুট কে ও নালা মে চলা গিয়া নালা মে গির গিয়া উসকে বাদ পিছে ওয়ালা জো চাকা হ্যায় উসকা উপর মে যাকে লাগ গিয়া আর উসি সে ও চাপা গিয়া চাপানে কে বাদ ও লগভগ এক ঘন্টা তক ওহি পে হি থা জবকি উসকো ম্যানেজার কো কল কিয়া গিয়া ম্যানেজার ওয়াহা পর গিয়া উস তরহ কা কোই ব্যবস্থা নাহি কিয়া ম্যানেজার নে কি জলদি সে উসকো নিকাল কে হসপিটাল কে লিয়ে উসকো ভেজা যায় আর আগর উসকো জলদি সে নিকাল কে আগর হসপিটাল ভেজা যাতা তো আজ জট্টু মিঞ্জ হামারে বীচ হোতা। वजह से बागान या फिर गाड़ी खराब हो जाए तो पेमेंट से पैसा कट होता था, पेमेंट नहीं मिलता था पापा का। क्या आपको पता था कि ये ट्रैक्टर कैसा कंडीशन है? आप लोग ट्रैक्टर का कंडीशन खराब था, होने से भी पापा एक सप्ताह से काम नहीं गए थे कि कंडीशन खराब है ट्रैक्टर का बोल के, ठीक होगा बोल के बोलते थे। वहाँ का जो चेक करता है इंजीनियर वो बोलता था कि हाँ ठीक है बोल के दे देता था, लेकिन भी ट्रैक्टर खराब था, उसका ब्रेक बहुत खराब था। आज क्या कंडीशन है अभी? क्या कंडीशन, क्या खराब ही होगा ना, पेशेंट को छोड़ दिया लेकिन बागान का जो नाला वाला साफ करके आदमी ट्रैक्टर को निकाल रहा है। आज सुबह हमारे सताली और डिविजन के वर्कर जट्टू मिंज हमारे भैया जब सुबह ने वो सताली ऑफिस आके अपना ट्रैक्टर गाड़ी जब लेके जा रहे थे तो आज वो ट्रैक्टर का जो कंडीशन था, जो ट्रैक्टर का जो हालत था, आज यहाँ पे सताली ऑफिस में भी जो उसका इंचार्ज जो उसको देख रेख करने वाला ने भी सही तरह से उस ट्रैक्टर का हालत को नहीं देखा और उस ड्राइवर ने उस ट्रैक्टर को लेके जैसे ही वो अपना काम पे निकल गया तो उतने में ही उसका आगे वाला चक्का का जो साइड का थोड़ा सा टूटा हुआ था पहले से ही, तो वो जैसे वो गाड़ी लेके निकला जैसे सताली आउट डिविजन बगान में जैसे घुसा वहीं पे उसका टूट के आगे चक्का सीधे वो नाला में चला गया। आधा घंटा तक वो ऐसे ही एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ था, अगर उसको सही टाइम पर उठाया जाता तो शायद वो बच भी जाता, लेकिन हमारे सताली चा बगान के मैनेजर के लापरवाही, हमारे सताली बगान के जो गैराज के जो इंचार्ज उनके लापरवाही, जिनके कारण आज हमारे जट्टू भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनको आज हम लोगों ने खो दिया। तो हमारे ये सताली बगान का जो कंडीशन है, हमारा जो यहाँ का जितना भी ट्रैक्टर का जो कंडीशन है, बुरा हाल है। अगर इसी तरह रहा तो आने वाला दिन हमारे यहाँ के जितने भी ड्राइवर है उन लोगों का भी ये हाल होगा। हाँ, आज क्या घटना घटी? जट्टू ड्राइवर यहाँ से लेके गया चीफ उसलिक के लिए बड़ा सेक्शन, तो रास्ता में उसका चक्का पहले टूटा हुआ था, कुछ बाकी था तो टूट के नाला में गिर गया। उसके बाद काफी समय हुआ, मुझे तो यहाँ पर कोई लड़का खबर दिया कि यहाँ पर तुम्हारा जट्टू ड्राइवर नीचे गड़ के नीचे दब गया है, तब मैं यहाँ से एम्बुलेंस भेजा और रोपना ड्राइवर से बोला कि तुम भी लेके जाओ ये टाली और निकालना पड़ेगा। तब मैं यहाँ से जाते जाते तो काफी समय हो गया था, सब निकाला जेसीबी से बहुत लेट में, उसके बाद देखा बॉडी तो एकदम ये हो गया था, उसके बाद हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में मैं यहाँ से पूछा तो वहाँ से बोलो रूम मुझे घुसित हो गया। इस घटना में क्या हुआ उनको?
इस घटना में क्या है? अभी ड्राइवर का जो मर गया उसका पालन पोषण के लिए बच्चा को जो लड़की है बुद्धिवी हो गया उसके परिवार के लिए पालन पोषण के लिए यहाँ से जब भी मैनेजर की तरफ से। आप लोगों का आगामी कदम क्या है? वही तो इसका सनात के लिए और इसका ड्राइवर का जो मर गया ना उसका परिवार को चलाने के लिए यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से इसका खर्चा उर्चा सब देना पड़ेगा।